दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित हरोड़े। मनोरंजन, उत्साह और खरीदारी से भरपूर नागपुर शहर में भव्य हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड एम्यूजमेंट पार्क वाचोड़ा महोत्सव के जरिए सभी मनागपुर वासियों के लिए दिनांक 16 जून से आयोजित किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में नागरिक उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये आयोजित कार्यक्रम वाचोड़ा रिंग रोड दुर्गा मंदिर के पास शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक आप सभी के मनोरंजन के लिए रखा गया है, जिसका भारी मात्रा में प्रतिसाद भी नागपुरवासी दे रहे हैं। आप भी अपने परिवार दोस्तों के साथ इस मनोरंजन और भव्य मेले का लाभ उठाएं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मेले में और भी क्या विशेष है आपके लिए। हर किसी ने समय समय पर मेले की तस्वीरें देखने को मिलती है, जिसके बाद आपका भी मन करता है कि काश मैं बचपन की तरह अब भी मेले में जाऊं और वही मस्ती करूं और दोस्तों को मनाऊं। साथ ही दोस्तों, हमें पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी हमारी और आपकी काफी व्यस्त चल रही है, लेकिन कुछ समय निकाल कर आप भी मेले में जा सकते हैं और अपनी बचपन की यादों को एक बार फिर ताजा कर सकते हैं। हमने इस मेले में बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले, वाटर बोर्ड, वाटर बोर्ड 3-1, मिनी ट्रेन, जंपर, बाउंसी सारी अरेंजमेंट करके रखी है। उसके बाद खान पान की सारी सुविधा रखी है, जैसे खान पान में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लगभग चाइनीज फूड से लेके पिज्जा से लेके हर चीज़। उसके बाद हमने कोविड को मद्देनजर रखते हुए रोड बड़े रखे हुए हैं, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो और बड़े रोड मिले, ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। भीड़ भाड़ को देखते हुए सबसे ज़्यादा सुविधा रखी हुई है। बाद में गेट में सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, सब सारी चीज़ों का हमने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। उसके अलावा भी बड़ों के लिए बड़े झूले हैं, ड्रैगन ट्रेन है, नाव है,
ब्रेक डांस है, ज्वाइंट व्हील है, उसके अलावा ये सारी चीजें हमने करके रखी हुई है। ये मेला अभी लगभग चालू हुए 1 हफ्ता हुआ है और ये अभी कंटिन्यू रहेगा 1 महीने तक। हाँ, पूरा 1 महीना और कंटिन्यू रहेगा। पब्लिक का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, पब्लिक आ रही है और भी आएगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार जरूर यहाँ पधारे और एन्जॉयमेंट का पूरा पूरा लाभ उठाए, और ये सब सुविधा आप ही के लिए है तो आप एक बार इसका जरूर फायदा उठाए। मेरा नाम नितिन गोखले, ओजस इवेंट के नाम से है ये पूरा एग्जीबिशन। ये मेले में ऐसा है कि ये गेट के अंदर आए तो सेल वेल लगा हुआ है, घर के खरीदी है, बच्चे लोगों की है और भी लेडीज लोगों का आइटम है, और यहाँ खाने पीने की भी चीज की व्यवस्था है, और इंजॉय तो बहुत अच्छा हो रहा है, झूले में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, पूरे पैसे वसूल हो जा रहे हैं। यहाँ नाव वाले झूले हैं और ये गोल झूले बोलते इसको, बड़े झूले और ड्रैगन है और अपना ट्रेन है, पानी का स्विमिंग पूल टाइप का झूला बच्चे लोगों के लिए, और बहुत से आइटम है यहाँ पे जो बहुत इंजॉय हो रहा है, बच्चे लोगों को भी मजा आ रहा है और बड़े लोगों को भी मजा आ रहा है। हम फैमिली आए ना, भाई लोग आए हम लोग, बहुत अच्छा। वो तो बोल रहे हैं रोज आने चाहिए यहाँ। मेले में घूमने आए तो बड़ा एंजॉय लग रहा है और बच्चे भी अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ ड्रैगन है, आकाश पढ़ना है, ब्रेक डांस है, सब घूमे और खाने पीने की चीजें है वो भी खा लिए। बच्चों का एंजॉय चालू है अभी। एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, बच्चों को लेके आए हम लोग, और यहाँ पे खिलौने वगैरह भी बहुत सारे गेम्स है, हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स जीते भी है, बच्चों को बहुत मजा आया है। बहुत टाइम बाद यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है इस एरिया में और रेट्स बहुत अफोर्डेबल है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। सैटरडे होने के बाद भी आज रश बहुत कम दिख रहा है और रश हो सकता है यहाँ पे, और बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है। बहुत अच्छी कन्वीनियंट है यहाँ पे, सेफ लग रहा है, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा भीड़ भड़का नहीं है, खाने के लिए भी सब कुछ है, मतलब हम लोग आए तो 2-3 घंटा आराम से इंजॉय करके जा सकते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे HB टाउन से आए हैं, पास में ही रहते हैं, पास में बहुत कम एग्जीबिशंस लगती है, यहाँ पे लगी और बहुत अच्छी है, शॉर्ट एंड स्वीट। नागपुर स्थित वाठोड़ा महोत्सव के जरिए यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक खाने पीने के स्टॉल, चीजों से लेकर विभिन्न प्रकार के खेलों के भी स्टॉल यहाँ पर शामिल है, जिनमें से आप अपने मनपसंद की चीजें सभी खरीद सकते हैं अथवा अपने मनपसंद के गेम भी खेल सकते हैं। मेले में बच्चों से लेकर तो बड़ों तक में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, तो आप भी इस उत्साह का भागीदारी बने और आज ही अपने परिवार के साथ इस मेले में पधारे।
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे सर, पब्लिक भी अच्छा आ रहा है, खाने पीने की भी आइटम बहुत अच्छी लगी हुई है। धीरे धीरे करो, यानी पहले थोड़ा स्टार्टिंग में कम आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है तो पब्लिक अभी बहुत अच्छा आने लगा है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि अपना आगे भी जैसा चल रहा है तो फिर आगे भी वैसा चले। चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए एक्टिविटी हर चीज़ है यहाँ पे, बाउंसिंग वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई का भी, खाने खान पान में भी अच्छा साफ सफाई का ख्याल रखा गया पूरा, और ये बच्चों के भी एग्जीबिशन में अच्छी आइटम्स लगी हुई जिससे बच्चों का मनोरंजन हो सके। हाँ चल रहा है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध मिल रहा है। और मैं वाठोड़ा परिसर के लोगों से गुजारिश करता हूँ, नागपुर वासियों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ पे अवश्य आए और यहाँ की रौनक देखे, बहुत अच्छा। हाँ टोटल चाइनीज से रोल से लेकर नूडल्स, राइस, मंचूरियन, चाइनीज के सभी आइटम है। मंचूरियन बेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस वही क्या, आप एक बार अवश्य आइए यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिंदगी में हसरतों का मेला कभी खत्म नहीं होता, तो देर किस बात की, वाठोड़ा महोत्सव में जाकर इस मेले की शान बढ़ाएं, एक बार अवश्य पधारें। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड एम्यूजमेंट पार्क वाठोड़ा महोत्सव में। आपको बता दें कि आयोजन कार्यक्रम वाठोड़ा रिंग रोड दुर्गा मंदिर के पास शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। आज ही अपने दोस्तों और परिवारों के साथ आकर इस मेले का लाभ उठाएं।
एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। धन्यवाद।